अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रफ़ी अहमद है और मैं जो एक साल पहले सर के पास मैंने एडमिशन लिया था ई कैट की प्रिपरेशन के लिए, मैंने एन ई डी में टेस्ट दिया था तो मेरा एन ई डी में एडमिशन हो गया वन इंजीनियरिंग में। तो सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया था, मैं हर टॉपिक को रिपीट किया था सर ने, और जो सर अलग से ट्रिक्स भी बताते हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपकी लैपटॉप के टेस्ट में भी आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोग आएँ सर से, सर के पास एडमिशन लें और प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। अर्बन इंजीनियरिंग का स्कोप बताइए सर। बेसिकली अर्बन इंजीनियरिंग आप आगे जैसे अब पूरी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमेशा से बेनिफिशियल रही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे बढ़ते बढ़ते इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग से कह सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की एक फील्ड है, टाउनशिप है। ये हमें स्पेशलाइजेशन करवाने तरीके से अब पूरा अर्बन ओके, यानी अगर कोई पूरा टाउन बनाना है जस्ट लाइक बहरिया टाउन था या DHA सिटी, तो उसके लिए बढ़िया आइडियल है। कैसा लग रहा है एन ई डी में पढ़ के, मज़ा आ रहा है सर? बहुत मज़ा आ रहा है, एक विश थी जो पूरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। चले इंशाल्लाह जल्दी आप इंजीनियर बनेंगे जी, ये अपनी सिस्टर को भी आप ले आएँ तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी इंजीनियर बनेंगी। बेस्ट ऑफ।